हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो यार आज की वीडियो ना थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही वियर्ड से थॉट के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, मैं ये सोच रहा था ना कि यार क्या हम कभी लाइफ में मतलब ऐसी स्टेज पे पहुँच सकते हैं जहाँ हमें मतलब ये फील हो कि यार अब मैंने जो कुछ भी लाइफ में अचीव कर लिया है वो काफ़ी है, कि मतलब अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं, जो भी मेरे पास है मैं इसी में खुश हूँ। क्या मतलब हम सच में कभी ऐसी स्टेज पे पहुँच सकते हैं? क्योंकि यार देखो, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। या देखो, जब शुरू में ना मेरी पोस्ट फेसबुक पे वायरल हुई थी, तो उसके बाद मैंने फिर पिंटरेस्ट चलाना शुरू किया था। तो फिर मैं ये सोचा था कि यार अब मेरी पोस्ट बस पिंटरेस्ट पे वायरल हो जाए। उसके बाद फिर मतलब जब पिंटरेस्ट पे भी वायरल हो गई, पिंटरेस्ट पे भी मतलब मुझे अच्छे खासे व्यूज़ आना शुरू हो गए, तो मेरे माइंड में ये सब चलने लगा कि यार ये सब तो बस फेसबुक और पिंटरेस्ट पे है यार, अगर ये इंस्टाग्राम पे होता तो बात ही और होनी थी। फिर यार अब इंस्टाग्राम पे भी अच्छी खासी रीच मिल रही है, अब वहाँ पे भी मतलब 7 दिन में मिलियंस क्रॉस हो गए हैं। तो अब यार मेरे माइंड में ये सब थॉट चलना शुरू हो गए ना कि यार ये सब तो मतलब बस इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, काश यार अगर ये सब यूट्यूब पे होता तो, मतलब अगर ये सब यूट्यूब पे होता तो आज तक मैंने कितना ही इन सब से अर्न कर लिया होता। तो तब मेरे माइंड में ये थॉट आया ना कि यार क्या हम कभी लाइफ में मतलब सच में जो भी हमने अचीव कर लिया उससे खुश रह भी सकते हैं? यार देखो, ये तो मैंने मतलब अपने बारे में बात की, पर यार जैसे बिल गेट्स की बात करते हैं, जैसे फेजोस की बात करते हैं, एलन मस्क की बात करते हैं, यार उन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है पर फिर भी वो मतलब दिन रात मेहनत करते रहते हैं नई नई चीज़ें अचीव करने के लिए, मतलब अपनी वेल्थ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, नई नई इन्वेंशन करने के लिए, जबकि उन्होंने मतलब सब कुछ पहले से अचीव कर लिया है, उनके पास मतलब बहुत कुछ है। तो यार अब उनको देख के तो ऐसा फील होता है ना कि यार अब ये भी नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे तो उसके बाद हम लाइफ के एक ऐसी सिचुएशन पर पहुँच जाएंगे, ऐसे मोमेंट पर पहुँच जाएंगे कि जहाँ हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यार तब भी मतलब हम मेहनत करते ही रहेंगे, तब भी हम मतलब ये सोचेंगे ना कि यार अब मुझे कुछ और अचीव करना है। तो यार मैंने ये रियलाइज़ किया ना कि यार हम मतलब जितने भी हम ड्रीम्स अचीव करते रहते हैं ना, तो उसके बाद हमारे सामने एक नया ड्रीम आता रहता है, एक नया गोल आता रहता है। जैसे यार अगर आपका गोल मतलब ये है कि आपने इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स हिट करने हैं, तो जब आप 10,000 फॉलोअर्स हिट कर लोगे तो उसके बाद आपके सामने एक नया गोल आ जाएगा कि अब मुझे 20,000 फॉलोअर्स हिट करने हैं। 20,000 हिट कर लोगे, उसके बाद फिर आप सोचोगे कि यार अब 50,000 हिट करने हैं। तो ऐसे करते करते ना मतलब यार मैंने ये देखा है कि हम कभी लाइफ से एक्चुअल में सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते हैं, कि हम अपनी प्रोग्रेस से ना बिल्कुल सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते हैं कि अब जो कुछ भी मैंने अचीव कर लिया ये बहुत कुछ है, कि अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं। ये मतलब एक वियर्ड सा थॉट है यार जो मेरे माइंड में आया ना कि यार क्या मतलब कभी हम ऐसे एक स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहां पे मतलब हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो कि अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं इसी में खुश हूं। तो ऐसे मतलब मैं इसके बारे में सोच रहा था, तो सोचा इसको आपके सामने शेयर करता हूं, इसको आपके साथ शेयर करता हूं। सो दैट्स इज आई वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। यार एक तो इस रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, ऊपर से फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते हम वीडियो के लिए, नहीं तो ऑडियो ख़राब आती है।